हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएनएल। अभी हम देखेंगे इफर्स टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ सेफ्रन एंड हींग के बारे में देखेंगे। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी आईएएस पीसीएस एसएससी के लिए। सो न्यूज ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है जॉइंटली एक इनिशिएटिव लिया है, जो कि क्या है ना, इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन ऑफ द टू स्पाइसेस जो कि सेफ्रन एंड हींग। सो सेफ्रन एंड हींग जो है ये मसाला जो है उन दोनों को क्या है ना, इनका जो प्रोडक्शन है उनको बढ़ाने के लिए सीएसआईआर का आईएसबीटी एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश दोनों इनिशिएटिव लिए हैं। ये है न्यूज। सो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन के बारे में देखेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी जो है ओनली लेबोरेटरी है जाके काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सो सेफ्रन प्रोडक्शन इन इंडिया के बारे में देखेंगे। इंडिया का जो है एनुअली डिमांड जो है सेफ्रन का जो है ये 100 टन है, बट क्या है ना, इंडिया प्रोड्यूस करता है ओनली 6 to 7 टन पर ईयर। उसका रिक्वायरमेंट कितना रहेगा फिर, 93 to 94% जो है वो इम्पोर्ट करता है बाहर देश से। सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इम्पोर्ट मीन्स क्या है ना, कुछ सामान बाहर से लाते हैं तो उसके लिए क्या पैसा देना पड़ता है। सो बेसिकली आप कोई दुकानदार के पास जाते हो तो आप क्या है ना, पैसा देते हो उसके बाद सामान लेते हो। तो सेम है यहाँ पे, क्या है ना, दूसरे कंट्री के पास क्या है ना, इंडिया पैसा दे के सामान लाता है, उसको बोलते हैं क्या ना, इम्पोर्ट। बट एक्सपोर्ट क्या देता है ना, हमारा देश का वो जो सामान रहता है एंड हम दूसरे को बेचते, दूसरे से पैसा लेते, सो देते हमारा इकोनॉमिक क्या है ना, ज्यादा बढ़ता। ओके, सो ये हो गया बेसिक डिफरेंस ऑफ द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेफ्रन। सो अबाउट 2825 हेक्टर्स ऑफ द लैंड जो है अंडर द कल्टीवेशन ऑफ द सेफ्रन इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कश्मीर का जो सेफ्रन है इसको जीआई टैग मिला है। आईएचबीटी जो मैंने बोला था, ये जो है ऑल्सो द introduce its cultivation in non-traditional area of the Himachal and Uttarakhand। Institute जो है वो जो है उसने develop किया है tissue culture protocols for the production of disease-free corms। So then हम जो next था, hing import in the India। Hing जो है एक perennial जो है plant है एंड ये जो प्रोड्यूस करता है उसका रेजिन जो प्रोड्यूस करता है रूट से, ये आफ्टर 5 years ऑफ द प्लांटेशन। जैसे आपने आज लगा दिया, 5 साल के बाद उसका जो प्लांटेशन है वो रेजिन निकलता है। सो इट कैन बी ऑल्सो ग्रोन इन द अनयूटिलाइज स्लोपी लैंड एंड कोल्ड डिजर्ट रीजन में इसको ग्रोन कर सकते हैं। सो देन देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ हींग इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन में भी आ सकता है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता। एंड करेंटली जो है 1200 जो है टन्स जो है रॉ हींग और नियरली 6 जो कि 100 कोडोर्स जो है वो इंपोर्ट होता है। कहाँ से ना, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान से। सो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जो कि बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी डेवलप करता है ये जो क्रॉप्स को, हींग एंड सेफ्रन इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ दिस जो कि स्पाइस। सो बेसिकली क्या है, बेनिफिट ये रहेगा जो हमारा जो है इंडिया में हम उसको क्या है ना, प्रोडक्शन को ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। ठीक है, सो देट हमारा क्या है ना, ये जो है रिड्यूस हो जाएगा इंपोर्ट रेट। सो सीएसआईआर आईएचबीटी जो है इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द ट्रांसफर ऑफ इनोवेशन बाय द मींस कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, impart training to the state agriculture department officers, farmers, and set up the seed production center of the saffron and hing in the state. So that's all. Thank you.